हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप यू डूइंग वेल। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ये दोनों टॉपिक काफ़ी बार लर्नर्स को कंफ्यूज करते हैं कि इन दोनों में मीनिंग में डिफरेंस क्या है। सो आज हम डिस्कस करेंगे इन दोनों टॉपिक्स का मीनिंग एंड इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले रीड करते हैं मीनिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। कहते इट रेफर्स टू दैट रिटन स्टेटमेंट विच कंटेन एवरीथिंग अबाउट द नेचर ऑफ अ जॉब। यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन वो रिटन स्टेटमेंट है जिससे हमें जॉब के बारे में पता लगता है कि हमें एक जॉब के अंदर क्या क्या एम्प्लॉइज़ की ड्यूटी हैं और क्या क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या उसके पास पावर होंगी, क्या क्या उसको टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है जॉब के बारे में उसका पता हमें किससे लगता है, जॉब डिस्क्रिप्शन से। सो इन शॉर्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन हमें ये बताता है कि एक जॉब के अंदर पर्टिकुलरली क्या काम है और उसको करने के लिए क्या क्या टूल्स हम यूज़ करते हैं और किस किस तरह की रिलेशंस होगी, एबिलिटी होगी एक जॉब की, ये हमें जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है। सो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या करता है, जॉब को डिस्क्राइब करता है कि आप किसी पर्टिकुलर काम या जॉब के अंदर क्या क्या वर्क परफॉर्म करोगे। सो एलिमेंट्स क्या क्या ऐड होंगे जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर। फर्स्ट इज़ जॉब आइडेंटिफिकेशन। जॉब आइडेंटिफिकेशंस का मतलब आपको ये बताया जाएगा कि आप किस डिपार्टमेंट के अंडर में काम करेंगे। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करेंगे या आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर या फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, कि आप किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है आपकी जॉब, ये आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। देन उसके बाद जॉब समरी। जॉब समरी के अंदर हम क्या क्या करेंगे कि आपको ये बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से अपना काम करना है, आपको क्या क्या काम करना है उसके अंदर, ऑल ओवर आपका वर्क क्या होगा, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये सब आपको किसके अंदर डिफाइन किया जाएगा, जॉब समरी के अंदर। नेक्स्ट है मशीन्स टूल एंड इक्विपमेंट, कि आप किस तरह की मशीन्स या टूल्स या इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे इन योर जॉब। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक वर्कर है तो आप मशीनरी का यूज़ करेंगे, फिर अगर एम्प्लॉई हैं तो आप कंप्यूटर से लैपटॉप्स का यूज़ करेंगे, तो आपके जॉब के अंदर किस तरीके की मशीनरी टूल्स या इक्विपमेंट यूज़ होंगे, ये किसके अंदर डिफाइन किया जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। देन उसके बाद आएगा वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आप किस तरीके की कंडीशन, वर्किंग कंडीशन के अंदर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जॉब एक टीचर की हो तो आप एक शांत माहौल में काम करेंगे, अगर आप एक वर्कर है तो आप मशीन के अंदर यानी कि फैक्ट्रीज के अंदर काम करेंगे, ज़्यादातर शोर होगा वहाँ पर, अगर आप एक सिंगर है तो उसका एनवायरनमेंट अलग हो, तो आपकी अलग अलग कंडीशंस होती है रिगार्डिंग टू जॉब, जो कि अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट इज जॉब रिलेशंस। जॉब रिलेशंस के अंदर आपको ये स्पेसिफाई किया जाएगा कि आप क्या काम करेंगे और आपकी अपर अथॉरिटी कौन सी होगी और लोअर अथॉरिटी कौन सी होगी, आप किन किन लोगों से, किन किन सुपरवाइज़र से या फिर किन किन हेड्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको किन से जो है कोई भी काम लेना है और किन को कोई भी काम देना है, ये सभी आप किसके अंदर आएगा, जॉब रिलेशंस के अंदर। सो ऑल ओवर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि आपकी जॉब किस तरीके की है, आपको क्या क्या काम करना है, किस तरीके की मशीनरीज को यूज़ करेंगे, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट क्या होगा और आपके अपर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी कौन सी है, ये सब आपकी किसके अंदर डिस्कस किया जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो होप दिस इज़ क्लियर मीनिंग ऑफ जॉब एंड एलिमेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, इट रेफर्स टू दैट स्टेटमेंट विच कंटेन्स द मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब। इसके अंदर हम जॉब के बारे में बात ना करके उस जॉब के लिए जो हमें स्किल्ड एम्प्लॉई चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। हमें ये
डिस्कस करना है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें एक एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या स्किल या क्या क्या क्वालिटी चाहिए होगी। ये सभी बातें हम किसके लिए किसके अंदर डिस्कस करेंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर। एलिमेंट्स क्या क्या हैं जॉब स्पेसिफिकेशन के, फर्स्ट एजुकेशन की बेसिक एजुकेशन कितनी होनी चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट प्लस नेट होगा। देन उसके बाद एक्सपीरियंस, आपको जॉब का कितना एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आपने पहले कोई काम किया है या नहीं। नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल एक जॉब के लिए अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ ब्यूटी पार्लर तो आप उसी तरीके की अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रखेंगे, थोड़ा सा मेकअप वाला लुक इस तरीके से रखेंगे। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ ऑफिशियल या फिर ये कहे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे तो आप थोड़ा सा ऑफिशियल लुक रखेंगे अपना, सिंपल सोबर। तो आपकी जॉब आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को क्या करती है, डिफाइन करती है। देन उसके बाद एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या है ये भी आपके जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है। इफ़ यू आर अ मैनेजर तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आपको मैनेज अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। ये सभी क्या है आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है आपकी एक जॉब के अंदर। तो एलिमेंट्स ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर हम उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो एक एम्प्लॉय के अंदर इम्पोर्टेंट होती हैं, जो उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन। अब इन दोनों का बेसिक एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सेकंड इज जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपका पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, और जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन आपका किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है। और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उन सभी चीज़ों को ऐड करेंगे जो एक जॉब के बारे में बताएंगे कि पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एक उसके अंदर क्या क्या हमारे राइट्स हैं, क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या हमें इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए। तो उसके एलिमेंट्स आपके अलग हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या डिस्कस करते हैं कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई के अंदर क्या क्या हमारे क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, हम उन सभी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप दिस इज क्लियर मीनिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन और उन दोनों का बेसिक डिफरेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड होप दिस इज क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट द टॉपिक यू कैन आस्क डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो फॉर ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम कॉमर्स इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।